नमस्कार दोस्तों, अब हम उत्तम पुरुष की वाक्य रचना समझने वाले हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष की वाक्य रचना समझ ली। अब हम उत्तम पुरुष मतलब उत्तम पुरुष की वाक्य रचना कैसे करते हैं, और बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अभी सबसे पहले क्या है, यहाँ हमने लट लकार वर्तमान काल दिया है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो उसमें हमने उत्तम पुरुष दिया है, इच्छा में इच्छा वह इच्छा मह। तो इश क्रियापद है, इश धातु है, उसका मतलब होता है चाहना, और वो चलता है उत्तम पुरुष में, इच्छा में इच्छा हो इच्छा म, और उसके प्रत्यय आमी आवह आम। ये लट लकार उत्तम पुरुष के प्रत्यय है, और आप कोई भी लकार ले सकते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये जो आज सिखाने वाला वो सिर्फ इसी के लिए लगेगा, लट लकार के लिए वो नियम लगेंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी लकार लो तो नियम यही रहेगा। तो यहाँ देखिए, अस्मद मतलब मैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि उत्तम पुरुष कब यूज करना है, जब अहम आवम वयम रहेंगे, मतलब इनमें से कोई एक रहेगा तो आपको उत्तम पुरुष ही यूज करना है। किसी भी लकार का, लट हो, लोट हो, लंग हो, कोई भी लकार हो, उत्तम पुरुष कब यूज करना है? अहम आवम वयम। जब अहम आवम वयम नहीं है तब आपको उत्तम पुरुष के बारे में सोचना भी नहीं, किसी भी लकार के उत्तम पुरुष के बारे में सोचना भी नहीं है। और यहाँ अस्मद सर्वनाम इस 7 विभक्तियों में चलता है। मगर उत्तम पुरुष कब यूज करना है? अहम आवाम वयम हो तभी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो चलिए उनकी वाक्य रचना कर लेते हैं। तो यहां हमने एक उदाहरण दिया है, मैं चाहता हूं। तो यहां देखिए, मैं तो मैं है, तो मैं जब रहेगा तब आप क्या लोगे? अहम लोगे। तो मैं है तो अहम, अभी अहम एक वचन है, यहां ध्यान में रखना है। अहम आवाम वयम, तो अहम मतलब एक, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यदि एक वचन करता, यदि एक वचन रहेगा, अब ये सभी करता है, अहम आवम वयम, प्रथमा विभक्ति जो है वो लगभग कर्ता का ही काम करती है। तो अहम मतलब मैं चाहता हूं, तो चाहने की कौन क्रिया कर रहा है? मैं, तो मैं हुआ कर्ता, सब्जेक्ट, तो अहम। ओके, तो अहम अभी चाहता हूं के लिए कौन सा क्रियापद है, हमने वो दिया यहाँ। तो अहम होने के कारण हम उत्तम पुरुष लेने वाले हैं। अभी यहाँ हमने उत्तम पुरुष दिया है, मगर जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको ध्यान में रखना है उत्तम पुरुष कब यूज करना है, जब अहम आवाम वयम है तभी। तो इस धातु उसका उत्तम पुरुष क्या है, और लट लकार ले रहे हैं हम वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि चाहता हुए प्रेजेंट क्रिया है, एक्शन है, इसलिए इच्छा मी। और एक वचन लिया, अहम इच्छा मी, इस तरह से। अब इसका द्विवचन कैसे होगा? हम दोनों चाहते हैं, हम दोनों चाहते हैं। तो हम दोनों के लिए क्या है? आवाम, तो आवाम ले लेते हैं, और आवाम है इसलिए क्या करेंगे हम? उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष दिया है उसका द्विवचन। द्विवचन क्यों? क्योंकि आवाम है इसलिए। तो आवाम इच्छा वह, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। अब इसी का हम बहुवचन करते हैं, हम सब चाहते हैं। तो हम सब इसके लिए क्या है? वयम, तो वयम, और चाहते हैं अभी वयम होने कारण, तो हम उत्तम पुरुष बहुवचन लेंगे, वयम इच्छामः। तो इस तरह सेंटेंस बन जाते हैं, और हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहां हमने 3 उदाहरण दिए, उसके माध्यम से हम समझ लेते हैं और वाक्य रचना अच्छी कर लेते हैं। तो हम सब लिखते हैं, तो हम सब के लिए क्या है? वयम है, तो वयम लिख लेते पहले। और जैसे हम वयम लिखेंगे तो लिखते हैं के लिए क्या है? लिख क्रियापद है, तो लिख, लिखामी, लिखा वह, लिखा मह, तो उसे कैसे लिखेंगे यहां? लिखा मह। तो देखिए, अभी लिखा मह क्यों आया? लिखा मह इसलिए आया क्योंकि वयम है, क्योंकि जब भी वयम रहेगा तो समझ लेना आपको उत्तम पुरुष ही यूज करना है। उसके बाद देखिए, मैं गाता हूं, तो मैं के लिए क्या है? अहम, तो पहले अहम लिख लेते हैं। और गाता हूं अभी गई क्रियापद है, तो गई गायामी, गाया वह, गाया मह, तो यहां गाया क्या लिखेंगे? अहम गायामी, इस तरह से गायामी। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अहम है तो उत्तम पुरुष एकवचन, वयम है तो उत्तम पुरुष बहुवचन। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ध्यान कैसे रखोगे, याद में कैसे रखोगे? अहम आवाम वयम आपको ऐसे याद करके रखना है। अहम आवाम वयम, अहम पहले इसलिए एक वचन, आवाम बीच में इसलिए द्विवचन, और वयम एंड में है इसलिए वो बहुवचन। आप ऐसे भी याद में रख सकते हो। उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों के लिए क्या है? आवाम, द्विवचन।
आवाम पे लिख लेंगे आवाम। और पढ़ते हैं, इसके लिए पठ क्रियापद है पठ, तो पठ अभी आवाम होने कर्म उत्तम पुरुष द्विवचन लेने वाले है। इच्छामि इच्छावह इच्छाम, उस तरह से पठामि पठावह पठाम, ये देखो प्रत्यय पठामि पठावह पठाम, तो आवाम होने कारण द्विवचन पठा वह। तो इस तरह से हमने उत्तम पुरुष समझ लिया है। कोई भी लकार क्यों ना हो, उत्तम पुरुष कब यूज करना है, जब अहम आवाम वयम रहेंगे तभी, मतलब इनमें से कोई एक रहेगा तभी। मध्यम पुरुष के लिए पहला वीडियो आप देख लीजिए, प्रथम पुरुष के लिए उसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, ओके। और सभी लकारों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे अभी लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, ऐसे सभी लकारों पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।